अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दी फॉलोइंग। स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप उसको देखें तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगी। इसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, x लेस देन y कि x छोटा है y से, और x ग्रेटर देन y x बड़ा है y से, और x इज इक्वल टू y x बराबर है y के। तो स्टूडेंट दो नंबर है हमारे पास, दो नंबर में एक नंबर बड़ा होगा या फिर एक नंबर छोटा होगा दूसरा, या फिर वो दोनों नंबर बराबर होंगे, तो इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, e ग्रेटर देन b implies that a divided by c less than b divided by c and c less than 0. स्टूडेंट पहले इसको देखें कि c less than 0 ये कंडीशन है, c 0 से छोटा है, c मतलब नेगेटिव है, तो c को सपोज किया कि वो है -2, तो a greater than b, a को बड़ा लेंगे वो है 3 और b हमारे पास हो गया 2, ठीक है, ये हमने सपोज किया। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं c से, -3 divided by 2 लेस देन 2 डिवाइडेड बाई -2, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट -3 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आता है -1.5। तो जो नंबर नेगेटिव होता है वो जितना भी बड़ा हो वो दूसरे नंबर से छोटा होता है, तो इसका मतलब है -1.5 1 से छोटा है, तो इसको डिवीजन प्रॉपर्टी कहेंगे। थर्ड पार्ट है a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज दैट a माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी, तो स्टूडेंट इनके दरमियान माइनस आ गया है तो ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। जैसे ए है हम कहते हैं वो बड़ा है तो 3, बी हमारे पास हो गया 2 और सी को हमने ले लिया 1, तो 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 2 माइनस 1, तो 2 ग्रेटर देन 1 हुआ, तो इसको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहेंगे। फोर्थ पार्ट है 5 ग्रेटर देन 2 इम्प्लाइज दैट 5 मल्टीप्लाई सी लेस देन 2 मल्टीप्लाई सी। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन कंडीशन देखें c लेस देन 0, तो सर इसको समझते हैं कि c छोटा है 0 से तो c नेगेटिव है, c को हमने लेट किया -1, अब -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो -5 लेस देन -2, नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होगा वो इतना ही छोटा होगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी हुई। फिफ्थ पार्ट है 7 ग्रेटर देन z एंड z ग्रेटर देन 5 इम्प्लाइज दैट 7 ग्रेटर देन 5, तो लेट किया स्टूडेंट कि z एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी जो 7 से छोटा है और 5 से बड़ा है, तो 6 हुआ, तो 7 ग्रेटर देन 6 एंड 6 ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब है कि 7 भी 5 से बड़ा है, तो इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सिक्स पार्ट है 10 लेस देन 15 10 मल्टीप्लाई सी ग्रेटर देन 15 मल्टीप्लाई सी, सी इज़ आ लेस देन 0, तो सी एक नेगेटिव नंबर है, जैसे -1 कह दे तो -1 10 से मल्टीप्लाई हुआ -10 और 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो -15, आप देख सकते हैं जो नंबर जितना नेगेटिव में छोटा है उतना बड़ा है, तो -10 इज़ आ ग्रेटर देन -15। सेवन्थ पार्ट है स्टूडेंट एक्स लेस देन वाई x माइनस w लेस देन y माइनस w, तो w को हमने लेट किया 1 और x लेस देन y तो x 2 हुआ, y हो गया 3, तो 2 माइनस 1 लेस देन 3 माइनस 1, तो 1 लेस देन 2, इसको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहेंगे क्योंकि माइनस आया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एट पार्ट x लेस देन z x डिवाइडेड बाय l लेस देन z डिवाइडेड बाय l, L इज़ आ ग्रेटर देन 0, अगर L ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो सपोज किया L 2 हो गया, और x लेस देन z मतलब x z से छोटा है, तो हमने 2 ले लिया, z को 3 ले लिया, अब इनको डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर आया 1 लेस देन 1.5, तो इसको हम डिवीजन प्रॉपर्टी कहेंगे।